पता है मैंने ना मेरे को मिठाई लेके आए हैं अपने रक्षाबंधन की, और मुझे इतना चिढ़ा चिढ़ा के कह रहे हैं कि जना मैं ये का लड्डू खाऊंगा और ये जो ये डोडा होता है डोडा खाऊंगा और ये मावे की बर्फी खाऊंगा और ये बेसन की है, और अलका तुम कुछ भी नहीं खाओगी दीपिका क्योंकि तुम्हारा भी डाइट चल रही है। तो वो इस तरीके से ऐसे मेरे को चिढ़ा रहे थे, देखो कितनी सारी हमने लिए वो मिठाई लेके आए रक्षाबंधन पर। मैंने कहा चिढ़ा लो मुझे। मैंने भी फिर मंगाया अपना कीटो कार्ड, कीटो डाइट की बर्फी मैंने मंगाई और जो न्यूट्रो एक्टिव की है, और मैंने फिर उसको मंगाया, मैंने ललचाया बहुत ज़्यादा। और मेरी भी काजू की बर्फी है, बहुत टेस्टी बर्फी है, अभी मैं खोलूँगी और खाऊँगी तो मैं भी कुछ चढ़ाऊँगी। और फिर मैंने सोचा कि चलो ये इनकी मिठाई की जब इतनी सारी वैरायटी है तो मेरी भी वैरायटी होनी चाहिए। मैंने एक तो ये मंगाया काजू की जो बर्फी मंगाई है देसी, वो भी देसी घी की है, बहुत टेस्टी बर्फी, अभी खोली नहीं है, मुझे इसका टेस्ट नहीं पता, अभी खोल के मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। फिर मैंने सोचा एक चीज़ और भी मंगा लेती हूँ, तो फिर मैंने कीटो की शुगर मंगाई, कीटो डाइट में जो शुगर लेते हैं फिर वो मैंने मंगाई। और मैंने सोचा इसका कीटो शुगर तो मंगाई है, ये तो मैं जैसे मीठा दही खाने का मन करता है या मेरा जो ना कुछ अच्छा सा मीठा खाने का मन करता है तो मैं इससे एक चम्मच यानी कि इसमें पानी में भी घोल के और नींबू डाल के ले लेती हूँ, जिससे मुझे बेनिफिट मिल जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं कुछ और भी बनाती हूँ, तो मैंने ये जो मेरा कीटो का जो आटा है ना, फिर मैंने आइडिया जुगाड़ लगाया, और जुगाड़ लगा के मैंने इसमें, क्योंकि ये सीड्स का बना हुआ है, इसमें आपका बहुत सारे सीड्स पड़े हुए हैं, देखो इसमें आपका है पीनट है, कोकोनट है, फ्लैक्स सीड है, ऑलमंड सीड है, सनफ्लावर सीड्स हैं इसमें, और पम्पकिन सीड्स में, यानी कि ये इसमें बहुत सारे सीड्स हैं। तो मैंने फिर सोचा जब सीड्स हैं इसमें तो अगर मैं इसका हलवा बनाऊंगी तो बहुत टेस्टी बनेगा, क्योंकि मैंने पूड़ी बनाई थी वो मैंने आपको दिखाया, मैंने पराठा बनाया था वो भी मैंने आपको दिखाया, तो मैंने सोचा चलो आज इसका मैं हलवा बनाती हूँ और यही वाली चीनी यूज़ करती हूँ, तो कैसे करूँगी तो चलो देखते हैं और इसका हलवा खाते हैं। चलो मैं भी खोल लेती हूँ क्योंकि मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। जब ये पता है मैं जिन्हें इसको दो दिन में इतना कम कर दिया है, और बताओ जो मुझे दिखा दिया कि लालच दे दे के खा रहा है, कौन सा पीस खाना है खाओगे? नहीं नहीं खा लो, ले लो इसे, देखो अभी कौन सा उठाते हैं, उठाओ उठाओ। और पता है इनको पता है कि लड्डू मेरा फेवरेट है, तो जानू कि मेरे सामने लड्डू ही उठाते हैं, लेकिन अब जब मेरी मिठाई आ गई है तो मैं भी इनको दिखा दिया कहूँगी, इनको काजू की बर्फी बहुत पसंद है और इनके डब्बे में काजू की बर्फी नहीं है, तो काजू की बर्फी खाओगे? नहीं निकालो तो ये मैं खाऊंगी, बहुत टेस्टी, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, ये नहीं किसी कीटो की है तो इसमें टेस्ट अलग डिफरेंट होना चाहिए, टेस्ट बहुत टेस्टी है, शुगर फ्री है। वाकई बहुत टेस्टी टेस्ट है इसका, ग्लूटेन फ्री है, ट्रांसफर्ट फ्री है, नो मैदा नो शुगर, वाओ, और मेरी डाइट की डाइट भी हो गई और मैंने मिठाई भी खा ली, अब ज्यादा नहीं खाऊंगी, रख देती हूँ ढाबे। बहुत टेस्टी है, और मैं कीटो के कैप्सूल तो खा ही रही हूँ, आपको पता ही है ये फैट बर्नर कीटो के कैप्सूल हैं, ये भी न्यूट्रो एक्टिव के हैं। अब भैया जब मैंने मिठाई खाई है तो एक गोली तो बनती है, अब मैं इसकी एक गोली खा लूँगी पानी से। देखो ये मेरा पूरा पत्ता खत्म हो गया, इसमें तीन पत्ते थे अब एक ही पत्ता बचा है, इसमें दो पत्ते खा चुकी हूँ, अब मैं इसको खा लूँगी। और आपको पता ही है मैं ये तो पी रही हूँ सुबह मॉर्निंग में, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, सब चीज़ मैं खाती पीती रहती हूँ। देखो डाइट लग नहीं रहा कि मैं डाइट भी कर रही हूँ, लग रहा है कि? लेकिन देखो मेरे कपड़े ढीले हो गए, ये मैंने सेकेंड बार टाइट कराए थे, देखो कितने ढीले ढीले मेरे कपड़े हो गए हैं। और अभी मैं जी सोच रहा डिब्बे में देख देख के कि अब मैं अब कौन सी मिठाई उठाऊँ, अब कौन सी उठाओगे? चलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में, और मैं दीपिका सारस्वत आपका वेलकम करती हूँ, नमस्कार।
पता है त्योहार आ रहा है कल रक्षाबंधन है, और मैम जी ना अपने लिए मिठाई वगैरह लेके आए बहुत सारी, और बोले मेरी मैं भी राखी बांध मेरे राखी बंधेगी तो मैं मिठाई, सगुन होता है मिठाई वगैरह का, था वो लेके आए तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। मैंने कहा मैं क्या खाऊंगी, मेरी तो कीटो डाइट चल रही है। तो फिर लेकिन मैंने भी ना फटाक से अमेजोन में ऑर्डर करके अपने लिए मिठाई मंगा ली, फटाक से मंगाई और अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर करी और मेरी मिठाई आ गई। और ऐसे ही जो लोग डाइट कर रहे हैं, अगर आप लोग डाइट कर रहे हो तो टेंशन मत लो, डाइट जो लोग डाइट करते ना उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है खाने के लिए, तो आप डाइट की मिठाई मंगा सकते हो। देखो मैंने कीटो बर्फी मंगाई और वो भी काजू वाली मंगाई है, इसमें और भी दो तीन वैरायटी थी लेकिन मैंने काजू वाली मंगाई क्योंकि मैंग जी को काजू की बर्फी ज़्यादा पसंद है, उनको चिढ़ाने के लिए फिर मैंने काजू की ही बर्फी मंगाई। और अच्छा अच्छी सी भी है, मैंने अभी टेस्ट भी करी, अच्छी है बहुत ज़्यादा। और अब मेरी ये बहुत दिन चल जाएगी क्योंकि अगर एक पीस रोज़ भी खाऊंगी तो कई दिन चलेगी। लेकिन पता है डाइट करो ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, और थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है हर चीज़ का, हर चीज़ अब डाइट में आने लग गई है। जैसे जैसे जो चीज़ आप नॉर्मली खाते हो वो चीज़ें डाइट में भी आने लग गई हैं, डाइट के उससे बनने लग गई है, जैसे डाइट में जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसी से बनने लग गई है। तो इसलिए हम लोग को इतना, मेरे को इतनी आपकी वो नहीं लग रही है मेहनत, जैसे पिछली बार जब मैंने करी थी तब मेरे को ज़्यादा मेहनत लगी थी डाइट करने में, अब की मुझे इतनी मेहनत नहीं लग रही है और बहुत अच्छी सी मेरी डाइट हो जा रही है। कल आप लोगों से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी, मैं बर्थडे में गई हुई थी, मैंने आपको बताया था, तो थोड़ी सी वो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा मेरी फ्रेंड की बेटी की बर्थडे की, और आज का देख लो वीडियो, और ठीक है देखते हैं। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। और रात को मैं रात को 9 बजे आती हूँ लाइव, कोशिश तो रोज़ करती हूँ आने की, कल बस थोड़ा सा वहाँ चली गई थी बर्थडे में तो इसलिए थोड़ी सी देर पा पाई थी, और रात को आऊँगी 9 बजे, तो आप लोग को जो भी मेरे से क्वेश्चन आंसर पूछने हो आप पूछ सकते हो मेरे से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं रात को, तो ओके बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। ओके बाय बाय।